आ रहे होंगे ठीक। आज एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर है सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल, ठीक है। चैप्टर का नाम है सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, एंड रोटेशनल मोशन, सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहले इसमें ना हम ये वाला पार्ट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ये वाला पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं टॉपिक सेंटर ऑफ मास से। इसमें जो पहला ही टॉपिक बॉनी होता है वो होता है सेंटर ऑफ मास। जो पहला ही टॉपिक स्टार्ट होता है सेंटर ऑफ मास, सी शॉर्ट में हम इसे सी डॉट एम डॉट बोलेंगे। एक सीएम चीफ मिनिस्टर होता है, लेकिन इस समय हमारे लिए सीएम चीफ मिनिस्टर नहीं, सेंटर ऑफ मास है। क्या कहानी है ये, क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए ये जो टॉपिक। अच्छा आपको ध्यान है, जैसे रिलेटिव वेलोसिटी जब हम पढ़ रहे थे तो शुरुआत में हमें ऐसा लगता है कि वो टॉपिक जबरदस्ती आप पे थोपा जा रहा है। आपके एक बस एक टॉपिक डालना था, फिर जिसको एक टॉपिक बढ़ाना था तो रिलेटिव वेलोसिटी आपको डाल दिया, ठीक है ओके। लेकिन जब हमने उसको प्रैक्टिकली अप्लाई किया तब पता चला कि रिलेटिव वेलोसिटी आपको परेशान करने के लिए नहीं, आपका काम आसान करने के लिए डिजाइन किया है। रिलेटिव वेलोसिटी से काम उल्टा और आसान हो रहे थे जिसने रिलेटिव वेलोसिटी ढंग से पढ़ा था। ऐसी सेंटर ऑफ मास कैसा टॉपिक है, सेंटर ऑफ मास हो सकता है शुरुआत में आपको ऐसा टफ सीन सा लगे, टाइट सीन सा लगे, लेकिन बिलीव मी ये टॉपिक आपको परेशान करने के लिए नहीं बना। ये टॉपिक आपकी फिजिक्स को कोशिश करता है थोड़ा और आसान कर दे। जैसे क्या कहानी है, जैसे सपोज करो आपका ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है और हमारे पास कई सारे पार्टिकल है। एक पार्टिकल है, पार्टिकल पॉइंट साइज पार्टिकल है ना। पार्टिकल देखो, पार्टिकल माने और पॉइंट साइज बॉडी, और बॉडी माने क्या होता है, ये रही बॉडी और ये रहा पार्टिकल, समझना। ये तो बॉडी है और ये पार्टिकल है। बॉडी कई सारे पार्टिकल से मिलकर बनती है, इनफाइनाइट नंबर, इट कंसिस्ट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये कई सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती है, ठीक है। दूसरी चीज जो मेन अंतर होता है जब हम वर्ड यूज करते हैं पार्टिकल, पॉइंट साइज पार्टिकल, पार्टिकल, तो यदि मैं आपसे पूछूं इसके कोऑर्डिनेट बताओ, इसके कोऑर्डिनेट बताओ, तो कोऑर्डिनेट आप बड़े मतलब आप क्या करोगे, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो आप कैसे बताओगे कि एक परपेंडिकुलर यहां डाला, एक परपेंडिकुलर यहां डाला, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया, सर इसके कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, तो इसके ना बड़े छूटते ही आप यूनिक कोऑर्डिनेट बता दोगे। यदि ये पॉइंट ग्राफ पेपर पे हो तो कोऑर्डिनेट बताना तो और आसान हो जाएगा कि सर इसके जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स कॉमा वाई है। लेकिन यदि मैं ये कहता हूं कि बेटा ये रही एक बॉडी, ये रही एक रैंडम सी बॉडी है, ठीक है, या एक कागज को सिकोड़ के यूं करके रख दिया मैंने, अब मैंने कहा इसके कोऑर्डिनेट बताना, इस बॉडी के कोऑर्डिनेट बताना, तो आप क्या कहोगे, आप बता के दिखाओ सर, बताइए क्यों इसके कोऑर्डिनेट नहीं बताए जा सकते, इसके क्यों कोऑर्डिनेट नहीं बताए जा सकते, बोलो, क्योंकि इसने एक पूरी अच्छी खासी डायमेंशन घेर रखी है, ये कई सारे पार्टिकलों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो पहले तो इस शब्द को क्लियर समझ जाना। तो मैंने क्या बोला, सपोज करो आपके पास एन पार्टिकल्स हैं, अभी समझ गए ना, पार्टिकल का मतलब एक पार्टिकल ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, मतलब कि इसका एक वेल डिफाइंड कोऑर्डिनेट हो, इसका भी एक वेल डिफाइंड कोऑर्डिनेट हो, इसका एक वेल डिफाइंड कोऑर्डिनेट बता सको। तो सपोज करो इसमें सिस्टम में कई सारे पार्टिकल है, ठीक है, कई सारे, ओके चलिए बहुत सारे हैं, मैंने उसमें से कुछ बना दिए। अब देखिए यदि मैं आपसे कहूं अच्छा इसका ना मान लो ये पार्टिकल है तो इसका कुछ मास होगा एम1, इसकी कुछ पोजीशन होगी, पोजीशन वेक्टर होगा आर वन, ठीक है, पोजीशन वेक्टर, यानी देखो सीधी सी बात है, आपको यदि पीछे आपने पढ़ा होगा क्या बेटा, सर बॉडी की डेफिनेट शेप नहीं होगी ना, इस समय हम पार्टिकल की बात कर रहे हैं, पार्टिकल की, पार्टिकल मतलब पॉइंट साइज, सिर्फ पॉइंट, ठीक है, आप बॉडी की बात नहीं कर रहे, पार्टिकल की बात कर रहे हैं। तो यहां पर देखिएगा बेटा, हाँ, तो जैसे ये रहा पार्टिकल, तो इसका कुछ मास होगा, इसकी कुछ पोजीशन होगी, ये रहा पार्टिकल, इसका कुछ मास होगा, इसकी कुछ पोजीशन होगी R2, ठीक है, इसकी कुछ पोजीशन होगी, इसका कुछ मास होगा M3 R3, इसकी कुछ पोजीशन होगी M4, इसका कुछ पोजीशन वेक्टर होगा। कहीं पोजीशन वेक्टर आप भूल तो नहीं गए बेटा, कहीं पोजीशन वेक्टर याद करो, जिसे हम नॉर्मल सिचुएशन में याद दिलाता हूं,
एक्स कोमा वाई बोलते थे, एक तरीका था, जैसे राम जाता है ये हिंदी हो गई, राम गोज ये इंग्लिश हो गई, तो ये कोऑर्डिनेट हो गए, ये नॉर्मल लैंग्वेज हो गई, और वेक्टर कोऑर्डिनेट में, वेक्टर एलजेब्रा में हम इसको आर वेक्टर ऐसे लिखते थे, कोऑर्डिनेटों को ऐसे लिखा जाता है इस ग्रामर में, जिसे आप पहले एक्स कोमा वाई लिखते थे पोजिशन कोऑर्डिनेट के रूप में, पोजिशन वेक्टर के रूप में ऐसे लिखते हैं, याद करो ठीक है। तो जरूरी नहीं है मैं एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू भी लिख सकता था, मेरे को ये इजी लगा कि ये मेरा मान लो एम वन, इसके पोजिशन कोऑर्डिनेट वेक्टर है आर वन, ये रहा पार्टिकल एम टू, इसके पोजिशन वेक्टर है आर टू, ठीक है, ये रहा पार्टिकल एम थ्री, इसका पोजिशन वेक्टर क्या कहते हैं आर थ्री, एक एम फोर, चलो चार ही ले लेता हूँ, चार ले लेता हूँ, चार में इतनी भसड़ सी दिख रही होगी। अब यदि मैं आपसे ये कहूं कि यार इस सिस्टम का मोमेंटम निकालो, मान लो चारों अलग अलग पार्टिकल है, आपसे कहा मैंने इसका मोमेंटम निकालो, तो ध्यान करो जब आप बुलेट और गन वाला सवाल कर रहे थे तो आपको इतना याद दिलाता हूं, जब सिस्टम में एक पार्टिकल होता है तो मोमेंटम ऐसे निकलता है एम वी, सिस्टम में दो पार्टिकल होंगे तो फिर मोमेंटम ऐसे निकलेगा, याद आया नहीं आया, सिस्टम का मोमेंटम फिर ऐसे निकलेगा, सिस्टम में तीन पार्टिकल होंगे तो एम थ्री वी थ्री, क्लियर है, सिस्टम में चार पार्टिकल होंगे तो आपको ऐसे मोमेंटम निकालना पड़ेगा। यदि मैं आपसे, ठीक है ना, एक एग्जांपल दे रहा हूं, इसमें भी जैसे वैसे तो मैं एन पार्टिकल की लेके चल रहा हूं लेकिन मैंने अभी चार पार्टिकल लिए, यदि मैं आपसे कहूं सिस्टम का मोमेंटम निकालो तो इसका 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 निकालना पड़ेगा सबका, सम और नहीं वेक्टर सम करना पड़ेगा, एक कलेश और जुड़ी हुई है, सम नहीं वेक्टर सम करना पड़ेगा, ऑर्डिनरी सम हो तो चलो एक बार को झेल भी लेंगे, वेक्टर सम को झेलना तो वही रिजल्टेंट निकालना। अब यदि मैं आपसे कहूं मतलब कोई भी काम करना होगा आपको इन चारों का अलग अलग निकालना पड़ेगा, ठीक है, ये तो थी आम जिंदगी, ये हो गई आम जिंदगी, और सेंटर ऑफ मास पढ़ने के बाद आपकी जिंदगी हो जाएगी मेंटोस जिंदगी। तो क्या है सेंटर ऑफ मास बताता हूं, तीन डंडे का मतलब इक्विवेलेंट, ये फिगर इसके इक्विवेलेंट बनने वाला है किसके, अभी देखिएगा। अच्छा आप देखिए, सपोज करो अभी तो इसमें एक ट्विस्ट और देता हूं, एक कलेश और ऐड कर रहा हूं, छोटी सी कलेज और ऐड कर रहा हूं, मान लो इस पे फोर्स लग रही है इधर F1, इस पे फोर्स लग रही है कहीं और, ऐसे ले लेता हूं F2, इस पे फोर्स लग रही है इधर F3, इस पे फोर्स लग रही है F4, सब पे अलग अलग फोर्स लग रही है सब पे अलग। अच्छा आप ऐसे समझो एक हमारा सोलर सिस्टम है, इमेजिन करो सोलर सिस्टम है ना, सन है, कुछ प्लेनेट है उसके चारों ओर घूम रहे हैं, सब पे फोर्स लग रही है, सब पार्टिकल मान सकते हो आप, बोलो कितने सारे पार्टिकल है, सब पे फोर्स लग रही है, तो ऐसे ही मेरे सिस्टम में चार पार्टिकल है, सब पे फोर्स लग रही है, सबको अलग अलग ही डिस्कस करना पड़ेगा, ये सवाल थोड़ा लंबा जाने वाला है, लेकिन सेंटर ऑफ मास आपकी जिंदगी को थोड़ा सा मेंटोस करने वाला है, मेंटोस जिंदगी, वो आपको क्या कहने वाला है, वो कह रहा है कि एक बार बस एक मेहनत कर लो मेरे कहने पर, सेंटर ऑफ मास एक टॉपिक कहता है कि एक बार मेरे कहने पर मेहनत कर लो, वो मैं बताऊंगा क्या मेहनत करनी पड़ेगी, उस मेहनत को करने के बाद आपको एक शक्तिमान जैसी ताकत मिल जाएगी, उसमें आपको एक ताकत मिल जाएगी कि इन जितनी भी बॉडी है सिस्टम में, चार पांच छह सात जो भी है, उन सबको मिलाओ, देखना मेरे हाथ, सबको इकट्ठा करो, ये देखो कोई कहीं फैली है, कोई कहीं फैली है, कोई कहीं फैली है, कोई कहीं फैली है, थोड़ी देर के बाद आपको शक्तिमान वाली ताकत मिल जाएगी, जैसी आप सेंटर ऑफ मास पढ़ लोगे, उसमें आप क्या करोगे, सारी बॉडियों को झाड़ू लगा के इकट्ठा करो और शक्तिमान बना चुका हूं मैं, कुछ समझे मैंने क्या कांड किया, सारी बॉडियों को झाड़ू लगा के एक तरफ इकट्ठा करो और गोली बना के एक कर दो, यानी जितने भी सिस्टम में पार्टिकल हैं, हाँ जितने भी सिस्टम में पार्टिकल हैं, उन सबको निचोड़ के आप एक करने वाले हो, उन सबको, तो सपोज करो मैंने इन सबको निचोड़ के, सबको दबा के, सबको आप शक्तिमान बन चुके हो, यूं करके एक गोली बना दी, तो पहले तो बताइए उस गोली का मास कितना होगा, उसका मास होगा M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4, यदि सिस्टम में चार पार्टिकल है तो, क्योंकि मैंने इन चारों को ही तो गोली बनाई है, इन सिस्टम इन चारों को मिला के ही तो गोली बनाई है, और सिस्टम में यदि N पार्टिकल हुए तो मैं इसको फिर ऐसे लिखूंगा, समझ गए कि नहीं, पार्टिकल्स को कंबाइन, अरे यार पार्टिकल को कंबाइन अभी पढ़ ले बेटा, है नहीं, पार्टिकल को कंबाइन नहीं करना, एक इमेजिनरी टॉपिक, एक इक्विवेलेंट टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूं, उसको समझने की कोशिश करो, पहले समझ तो लो, सुन तो लो मेरी बात, मैंने अभी कुछ बोला ही नहीं, आपके क्वेश्चन पहले फटने चालू हो गए, मैंने कहा सेंटर ऑफ मास एक टॉपिक है जो आपके टॉपिक को आसान करेगा, ऐसा सच में नहीं होने वाला कि आपको शक्तिमान वाली ताकत मिल जाएगी,
सच में नहीं होने वाला कि आप सारे पार्टिकलों को ऐसा कर पाओगे, ये भी मैं बता दूं, ठीक है। तो चलिए, तो उस मैंने एक चीज बोली कि सवाल करने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी, उसमें आप क्या करोगे, सारे पार्टिकलों को मिलाओगे, उसको एक गोली करके गोली बन गई, उसे भी गोली बना देना है, पॉइंट साइज बना देना है। अब बताइए उस गोली का मास कितना होगा, उस गोली का मास कितना होगा बोलो, M1 प्लस M2, मतलब जितने भी सिस्टम में पार्टिकल होंगे उन सबके टोटल के बराबर। लेकिन ठीक है, अब मजे की बात यह कि यदि आपसे कोई कहे मोमेंटम निकालो, आप सुनना बेटा, एक ऐसा शानदार तरीका बनने वाला है, आपसे कोई कहे मोमेंटम निकालो, तो पहले तरीका क्या था हम जिंदगी, इसका निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो, है ना, सबका वेक्टर सम करो, ये आम जिंदगी। मेंटो जिंदगी, यदि आपसे कोई कहे इसका मोमेंटम निकालो, तो आप खाली इसका मोमेंटम निकाल सकते हो, खाली इसका मोमेंटम, इसको पढ़ डाला तो ये वाले टॉपिक झिंगा डाला, इसको पढ़ डाला तो ये वाले टॉपिक झिंगा डाला। मतलब आप सोचो कहां आपकी फिजिक्स पहले ये रहेगी, अभी तक आपको मैंने ही पढ़ाई है ये वाली फिजिक्स, कि यदि इसका मोमेंटम निकालना है तो M1 V1 M2 V2 M3 V3 M4 V4 है ना, ऐसे निकलती थी। लेकिन मजे की बात, जब आप इस टॉपिक को पढ़ लोगे तो वो ये कहेगा कि यदि मैं इस, ये जो पार्टिकल है जिसका मास अब m हो चुका है, इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, होगी ना कुछ वेलोसिटी, आप m इंटू वी, सिर्फ इसका मोमेंटम निकाल दो, सिर्फ इसका, इस पार्टिकल का, तो वो मोमेंटम भी इस सारी कैलकुलेशन के बराबर आएगा। तो अब आप बताओ ये वाला टॉपिक आसान, LHS आपकी आसान रहने वाली है या RHS आसान रहने वाली है, बोलो बोलो। हाँ हाँ बेटा शुभम, बताओ LHS आसान रहने वाली है या RHS आसान, RHS आसान करने वाली है, ऑब्वियसली RHS आपकी आसान हो जाएगी। लेकिन एक बार तो मेहनत करनी पड़ेगी, वो मैं बताऊंगा किस चीज में मेहनत करनी पड़ेगी, और इस वेलोसिटी को ना हम सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बोलेंगे, इस वेलोसिटी को अभी लिखना भी सिखाऊंगा। अच्छा यदि मान लो कोई कहीं जा रहा है, अच्छा सपोज करो कोई कहीं जा रहा है, 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 मोमेंटम छोड़ो, यदि मैं कहूं सिस्टम की वेलोसिटी निकालो, तो तुम इसकी वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी निकालोगे, है ना, आप अकेले सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाल दो, खत्म, इसकी वेलोसिटी निकाल दो, आपको ओवरऑल आइडिया हो जाएगा कि आखिरकार सिस्टम किधर जा रहा है, तो है ना। जब कोई कम दामों में मिले तो कोई ये क्यों ना ले, फिर ये क्यों ले। लेकिन चलो हमें, यानी अब सेंटर ऑफ मास की पहले डेफिनेशन सुनना, सेंटर ऑफ मास की पहले डेफिनेशन सुनना, मोस्ट ऑफ द बुक में डेफिनेशन आधी सुनाएंगे आधी पढ़ाएंगे, है ना, मैं पहले उस आधी पार्ट को बोल देता हूं। अभी मैंने आपके सामने क्या किया सेंटर ऑफ मास को समझाने के लिए, कि इन सारी गोलियों को इकट्ठा करके एक बना के यहां रख दिया, तो इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने जा रहा हूं, इट इज अ पॉइंट, सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन, इट इज अ पॉइंट वेयर एंटायर मास ऑफ द सिस्टम, एंटायर मास ऑफ द सिस्टम इज सपोज टू बी कंसेंट्रेटेड, इट इज अ पॉइंट, इट इज अ पॉइंट, ध्यान रखना एक और चीज, हाँ सेंटर ऑफ मास से फील ऐसा आता है कि यह शायद मास होगा, जल्दी जल्दी में ये फील आ जाता है सेंटर ऑफ मास से कि ये मास होगा, लेकिन थोड़ा पॉज करके बोलो सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ये एक पॉइंट होता है, सेंटर ऑफ मास एक कोऑर्डिनेट होता है, एक पॉइंट होता है, याद रखिएगा। अब जैसे लाइट ईयर है, वर्ड ऐसा है जो कंफ्यूज करता है, शायद टाइम की यूनिट है क्योंकि इसमें ईयर आ रहा है, क्योंकि इसमें ईयर आ रहा है तो कंफ्यूज करता है कि अरे ये तो शायद टाइम की यूनिट है, पर ये टाइम की यूनिट नहीं है, किसकी यूनिट है, ये है क्या चीज अंदर से, बताओ 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 जल्दी बताओ, ये लाइट ईयर किस चीज की यूनिट है, टाइम की यूनिट है क्या ये, अरे टाइप करो भाई, ये डिस्टेंस की यूनिट है, ये है तो डिस्टेंस की यूनिट ना, तो ऐसे ही, तो चलो इसमें तब भी कंफ्यूजन है, ए लाइट ईयर स्पीड की यूनिट नहीं है, लेंथ की यूनिट है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन वन ईयर, चलो इसमें तब भी मैं मान सकता हूं कि कंफ्यूजन है, ईयर वर्ड जुड़ रहा है, लेकिन सेंटर ऑफ मास में कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूजन है नहीं, सेंटर इस वर्ड को भी तो पढ़ो, क्योंकि कई लोग केवल मास को प्रेशर देके पढ़ लेते हैं, मास मास मास, लेकिन इस वर्ड को भी तो प्रेशर दो, सेंटर ऑफ मास एक ऐसा, अच्छा सर्किल का सेंटर एक कोऑर्डिनेट होता है ना, सर्किल का सेंटर, ऐसे ही मास का एक सेंटर एक कोऑर्डिनेट होता है, तो इसमें क्या सीखने वाले हो वो आधी डेफिनेशन सुनो, इट इज अ पॉइंट वेयर एंटायर मास ऑफ द सिस्टम, एंटायर मास ऑफ द सिस्टम इज सपोज टू बी कंसेंट्रेटेड, इतना तो समझ में आया, इट इज अ पॉइंट वेयर एंटायर मास ऑफ द सिस्टम इज सपोज टू बी कंसेंट्रेटेड। अब इसके आगे की डेफिनेशन सुनो, जो कुछ कुछ टीचर ही या कुछ बुक्स में ही पूरा बताते हैं, ये वाली डेफिनेशन तो आपको हर जगह मिल जाएगी, कि इट इज अ पॉइंट वेयर एंटायर मास ऑफ द सिस्टम इज सपोज टू बी कंसेंट्रेटेड,
अब इसमें आगे का पार्ट भी जोड़ना है। इस पॉइंट की खास बात क्या रहने वाली है कि यदि तुम्हें ठीक है इसमें यदि फिजिक्स निकालनी हो, इसमें मान लो सिस्टम का मोशन निकालना है, सिस्टम का मोमेंटम निकालना है, सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालना है, सिस्टम में नेट फोर्स निकालनी है, तो इसे निकालने की बजाय आप इसका निकाल लो, बात वही आएगी। और सुनो, यदि इसका निकालने के बाद अलग कहानी आ रही है और इसका निकालने के बाद अलग कहानी आ रही है तो फिर ये सेंटर ऑफ मास नहीं है। ये भी मैं बता दूं, तो पूरी डेफिनेशन सुनना। सेंटर ऑफ मास कंसंट्रेटेड वर्ड का मतलब, यार आज तुम्हारा मूड कुछ और मूड में है क्या? कंसंट्रेटेड वर्ड का मतलब पता नहीं मुझे, कंसंट्रेटेड का मतलब इकट्ठा करना, या कंसंट्रेटेड वर्ड का मतलब है इट इज अ पॉइंट वेयर एंटायर मास ऑफ द सिस्टम इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड वर्ड का तू क्या मतलब निकाल रहा है भाई? जहां सिस्टम का सारा मास आपने इकट्ठा कर दिया, रगड़ के एक गोली बना दी। देव क्वेश्चन पूछने के बाद हाँ ना भी तो किया कर, हाँ ना कुछ तो बोला कर, क्वेश्चन फेंक के मार दिए फिर रिप्लाई भी तो कर आगे। अच्छा नहीं है वहां तो केमिस्ट्री में तो नहीं चले गए एसिड बेस कंसेंट्रेशन। हाँ चलिए, हाँ तो मेरी डेफिनेशन पूरी करता हूं। तो इट इज अ पॉइंट वेयर एंटायर मास ऑफ द सिस्टम इज सपोज टू बी कंसेंट्रेटेड सच दैट इफ ऑल द फोर्सेज ऑफ द सिस्टम, अब सुनना, इफ ऑल द फोर्सेज, जितनी भी फोर्सेज है, इफ ऑल द फोर्सेज is supposed to be acting at this point, this point is named as center of mass. ध्यान रखना, mass का नाम center of mass नहीं है, point का नाम center of mass है। तो यदि system की सारी force, ये जो सारी forces लग रही है, आप एक काम करिए, पहले जितनी भी forces है इनका vector sum निकाल लीजिए। F1, F2, इस पर लग रही है F1, इस पर लग रही है F2, इस पे लग रही है F3, इस पे लग रही है F4, इन ठीक है ना, इन सबको निकाल लिया हमने, इन सबका वेक्टर सम निकाल दिया। तो ये जितनी भी आई, मान लो ये आई आपकी नेट एफ एक्सटर्नल, ऐसे लिख सकता हूं ना इसे, इन सारी फोर्सेस को ऐसे लिख सकता हूं ना, जितनी भी एक्सटर्नल फोर्सेस है, एक्सटर्नल तो मैं वैसे भी पता है, इंटरनल फोर्स को तो वैसे भी अकाउंटेबिलिटी में नहीं लेते, तो इन जितनी भी एक्सटर्नल फोर्सेज है उन सबका वेक्टर सम कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, इसमें रायता बिखरा हुआ है, अलग बॉडी अलग फोर्स, अलग बॉडी अलग फोर्स है। अब आपको क्या करना है, आपने सारी बॉडियों को एक जगह निचोड़ लिया और उन सारी फोर्सेस का वेक्टर सम जो आ रहा है वो इस पर जो भी आ रहा है, जिस मैग्नीट्यूड और जिस डायरेक्शन का आ रहा है, वो सारी यहीं पे इंपोज कर दीजिए। मतलब इस कैपिटल एम पर, जिसका मास सारे सिस्टम के मास के बराबर है, इस पे ठीक है ना, सेंटर ऑफ मास, इस पर इंपोज कर दीजिए जिधर भी आ रही हो, जितनी भी आ रही है। पहले तो आप इसको समझिए, मैंने दो हरकतें की है इसमें, एक तो इसमें सारे मास को निचोड़ के एक गोली बना के रख दिया है और दूसरा सारी फोर्सेस का वेक्टर सम निकाल के इस पे लगा दिया है। यदि ये वेक्टर सम ऊपर आता तो मैं ऊपर कर देता एरो, ये वेक्टर सम नीचे आता तो नीचे कर देता, पर मैं एक रैंडम ले रहा हूं अभी। तो अब पूरी डेफिनेशन सुनना, यदि सारा सिस्टम निचोड़ के एक जगह कर दूं, सारी फोर्स निचोड़ के उसी पे लगा दूं, तो अब भी यदि वही रिजल्ट आ रहे हैं और अब भी वही रिजल्ट आ रहे हैं तो इस पॉइंट का नाम सेंटर ऑफ मास है, तो इस पॉइंट का नाम सेंटर ऑफ मास है। वैसे तो मैं एक और बात बता दूं, आपके स्कूल में केवल फर्स्ट हाफ जो डेफिनेशन है उसमें भी पूरे नंबर दे देते हैं। कौन सी फर्स्ट हाफ डेफिनेशन, जो बड़ी आसान लग रही है, इट इज अ पॉइंट वेयर एंटायर मास ऑफ द सिस्टम इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड, बस इतनी देखे काम चल जाता है क्या स्कूलों में। लेकिन फिर भी यदि पूरा सुन लोगे, पूरी अच्छी बात सुन लोगे, तो एक सही और फंडामेंटल फिजिक्स घुसेगी ना। तो अब पूरी फिजिक्स एक बार फिर से बोल रहा हूं, इट इज अ पॉइंट वेयर एंटायर मास ऑफ द सिस्टम इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड such that if entire force of the system is supposed to be or assumed to be acting at this point, then state of system remains unchanged. मतलब इसे इक्वल लिख देता हूं, चलो ये और ये एक ही बात है। क्या बोला मैंने सेकेंड हाफ, इफ एंटायर फोर्स इज सपोज टू बी एक्टिंग एट दिस पॉइंट देन स्टेट ऑफ मोशन ऑफ सिस्टम रिमेन्स एज इट इज, स्टेट ऑफ मोशन ऑफ सिस्टम रिमेन्स अनचेंज, मतलब कोई परिवर्तन आए। अच्छा आप एक मिनट, ये नहीं करते थे, एक मिनट, जैसे टेंथ में आओ दो रेजिस्टेंस सीरीज में होते थे तो आप उनको हटा के एक लगा लेते थे, बोलो उनको हटा के एक कर लेते थे ना, अपने सर्किट को आसान करने के लिए। यदि दो रेजिस्टेंस पैरेलल में थे तो उनको भी हटा के एक कर लेते थे, करते थे कि नहीं करते थे? तो ऑलमोस्ट वही कॉन्सेप्ट समझिए,
तो बताना, अब वो पैरेलल की डेफिनेशन आपको परेशान करने के लिए थोड़ी नहीं थी, आपका सर्किट इजी हो जाए, इतने सारे रेजिस्टेंस एक में कन्वर्ट हो जाए। हाँ सही एग्जांपल मेरे को सही टाइम पे आ गया। तो वही चीज वहां सीरीज पैरेलल बोलते थे, यहां सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। तो आपको करना क्या है, अच्छा सीरीज पैरेलल में क्या होता था, जैसे ये अभी मैं दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दूं, और मान लो ये 20 वोल्ट की बैटरी है ना, यदि आपको याद हो, मान लो ये 10 ओम या ये 6 ओम ये 3 ओम ये दो रेजिस्टेंस है, इमेजिन करो। तो आप इस सर्किट को ऐसे भी तो डिजाइन कर सकते हो कि इन दोनों को फॉर्मूला चलाओ, यदि याद हो तो ये 2 ओम आएगा बेटा, ये 2 ओम आएगा, लेकिन बाकी अब बताओ इन दोनों को हटा के ऐसे लगा दूं और वही बैटरी वही कंडीशन इसको भी, तो ये नहीं कि तुम इन दोनों को तो 20 वोल्ट दे रहे हो और इसको 45 वोल्ट दे रहे हो, बाकी चीजें एज इट इज होनी चाहिए। तो यदि उस सर्किट की जगह वही वोल्टेज लगा दूं, बस आप इन दो रेजिस्टेंस की जगह वही रेजिस्टेंस लगा दूं, तो आप पता है कमाल की बात, इसमें भी जो करंट फ्लो हो रही है इसमें भी वही करंट फ्लो होगी, और ऐसा हो रहा है तो वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो सेम फिजिक्स सेंटर ऑफ मास में आ रही है, बस इसका फॉर्मूला थोड़ा अलग रहने वाला है कि कई सारे सिस्टम पार्टिकल रहेंगे, आप उनको निचोड़ के एक कर देना, वो मैं बताऊंगा, ठीक है ना। सिस्टम पे जितनी भी बैटरी लग रही है वो बैटरी यहां लगा देना, बैटरी का मतलब फोर्स लगा देना। तो यदि ये और ये रिजल्ट सेम आ रहे हैं तो इस पोजीशन को, इस पॉइंट को सेंटर ऑफ मास बोलते हैं, इस कोऑर्डिनेट को, इस पॉइंट को सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। होपफुली डेफिनेशन समझ में आई या नहीं आई, जल्दी बोलो। डेफिनेशन समझ में आई नहीं आई सेंटर ऑफ मास की, जल्दी बोलो आई। अब आपको बताता हूं जो इसमें मेन काम जो है, कि वो सेंटर ऑफ मास आप अपनी मर्जी से कहीं भी नहीं रखोगे, आप उसे क्या कहते हैं, ये नहीं कि कहीं भी रख दो, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो बेटा जैसे ये और ये फिगर एक जैसा रिजल्ट दे रहे हैं, तो इस पोजीशन, जैसे आप इसकी पोजीशन को R1 वेक्टर बोल रहे थे, इस M2 की पोजीशन को R2 वेक्टर बोल रहे थे, R3 वेक्टर, तो पता है यदि आपका ये फिगर और ये फिगर सेम रिजल्ट दे रहे हैं मोशन में, तो आप इस पोजीशन को RCM बोलोगे। पोजीशन या छोटा R भी लिख सकते हो, नो डाउट, RCM लो छोटा ही लिख देता हूं। R वेक्टर माने पोजीशन वेक्टर और थोड़ा CM डाल दिया, CM माने सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर। अब ये आप अपनी मर्जी से नहीं रख सकते, इसके लिए बकायदा एक फॉर्मूला है, पहले मैं फॉर्मूला पढ़ाऊंगा आज, अगली क्लास में उसका प्रूफ बताऊंगा, मतलब इस टॉपिक को मैं कुछ इस अंदाज में चलाऊंगा, जैसे आपके कैरियर में पाइथागोरस थ्योरम पहले आई थी, प्रूफ अगले साल आया था। खैर मैं अगले साल तक का वेट के लिए नहीं कर रहा हूं, अगली क्लास के लिए बोल रहा हूं। पाइथागोरस थ्योरम आपने ध्यान हो तो पहले आपने पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ लिया था, उसको यूज करना सीख लिया था, प्रूफ तो बहुत बाद में आया था ना कि ये पाइथागोरस थ्योरम कहां से आई। तो वैसे ही पहले मैं ये फॉर्मूला, तो यानी इसमें जो सारी मेहनत है बेटा, हमें जो सारी मेहनत है, अच्छा एक बार तो मेहनत करनी पड़ेगी ना आपको, बताओ करनी पड़ेगी कि नहीं, कि उस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए कि आखिरकार वो कितना है। तो ऐसे ही इस कोऑर्डिनेट को, इस पोजीशन वेक्टर को कैलकुलेट करने की एक मेहनत करनी पड़ेगी, वो फॉर्मूला में पर्दा उठाने जा रहा हूं। तो अब आपको मैं किस चीज का फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, किस चीज का, कि वो कोऑर्डिनेट आपको वो निचोड़ के बॉडी रखनी का है, ऐसा नहीं कि कहीं भी रख दोगे आप, ये बस ध्यान रखना। केवल मैंने ये बोल दिया कि इस सारी बॉडी को निचोड़ के रख दो, तो ऐसा नहीं कहीं भी रख दो, एक रूल आएगा वो ये बताएगा कि कहां रखना है, कि 3.4 पे रखना है सारे निचोड़ के, कि 5.8 पे रखना है, कि 15.17 पे रखना है, मतलब ये एक फॉर्मूला है कोऑर्डिनेट का, वो ये बताएगा। तो तैयार हो आप लोग उस फॉर्मूले को देखने के लिए, इतना समझ में आना चाहिए, पहले ये समझ में आना चाहिए कि आप पढ़ने क्या जा रहे हो, यू आर गोइंग, इसके आगे इंग्लिश नहीं बनी मेरे पे, है नहीं, आप पढ़ने जा रहे हो कि यदि सिस्टम में कई सारे पार्टिकल है तो उनको निचोड़ के एक जगह यदि रखना है तो वो लोकेशन कैसे फाइंड आउट करोगे। अब मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो है, पहले छोटे छोटे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करो। तो पहले मैं आपको n पार्टिकल का नहीं सिखाऊंगा, पहले दो सिस्टम में दो, अभी इस फिगर में कितने पार्टिकल है, चार है ना, चार का भी सीख जाओगे, लेकिन पहले मैं आपको सिखाने जा रहा हूं यदि सिस्टम में दो पार्टिकल हो तो उनका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे। देखिए बेटा सुनो, पहले तो ये समझ में आ गया कि सेंटर ऑफ मास, साथ ही साथ बेटा जो नोट्स भेजे हैं उनसे डेफिनेशन मैच करते चलना। अब मुद्दा आता है, पहले मैं आपको हेडिंग सिखाने जा रहा हूं कि सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें चार नहीं है पार्टिकल, पांच नहीं है, तीन नहीं है, दो हैं।
अच्छा, यानी इस सिस्टम में सुनिए, ये रहा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक पार्टिकल ये रहा जिसका मास m1, इसकी पोजीशन वेक्टर मान लो r1 है, एक दूसरा पार्टिकल r2 पोजीशन वेक्टर पे रखा है, ये रहा m2, क्लियर है? ठीक है, m1 m2। अब मुद्दा ये कि यदि आप इसको निचोड़ के एक जगह रखने जा रहे हो, इसको निचोड़ के, ठीक है, तो इसको निचोड़ के यदि रखने जा रहे हो तो उसके भी सेंटर ऑफ मास का भी कोई ना कोई पोजीशन वेक्टर होगा। पहले तो बस इतना बता दो कि इस पॉइंट पे मास कितना आएगा, इस पॉइंट पे मास कितना आएगा ये बताइए। यदि मैं इन दोनों को, यदि मेरी प्रस्तावना समझ में आ गई होगी क्या रूपरेखा की क्या पढ़ाने जा रहा हूं। जी हाँ शिवेश, यानी सेंटर ऑफ मास बिल्कुल ठीक, प्रियव्रत भूमिका, यहां मास आएगा एम वन प्लस एम टू, क्योंकि आपको पूरे मास को यहां निचोड़ के एक रखना है और सिस्टम में दो ही मास है। तो बेटा जैसे बच्चे को पहले निबंध नहीं सिखाते, पहले उसको ए फॉर एप्पल सिखाते हैं, पहले बच्चे को हिंदी में क ख ग घ सुनाते हैं, फिर उसके बाद बिना मात्रा के शब्द घर पर चल, है ना, घर पर चल जल थल नब, बिना मात्रा के। तो अब यदि इमेजिन करो, यदि मुझे सेंटर ऑफ मास का सबसे सस्ता टॉपिक उठाना हो तो दो पार्टिकल से उठाऊंगा, क्यों, तीन बता, अच्छा सिस्टम में तीन पार्टिकल हुए तो उससे तो सस्ता ही है ये, यहां तीन पार्टिकल है मैं तो दो बोल रहा हूं। अब आप कहोगे सर एक पार्टिकल का क्यों नहीं, अच्छा बताओ, बुद्धि लगाइए, थोड़ा आईक्यू लगाइए, सिस्टम में यदि एक पार्टिकल हो, है ना, एक पार्टिकल, तो इसे क्या सस्ता करोगे यार, ये तो ऑलरेडी सस्ता है यार, वैसा थोड़ी नहीं है, है नहीं कि भाई साहब क्या कहते हैं, हाँ भाई रिक्शा खाली है कि हाँ, रेलवे स्टेशन चलेगा कि हाँ चलूंगा, ठीक है, क्या पैसे लेगा, 50 रुपए लूंगा, और सामान के सर सामान में ऐसे ले जाऊंगा, तो तू एक काम कर सामान ले जा मैं पैदल आ रहा हूं, है? तो यार ये इसे भी सस्ता करोगे तुम, इससे क्या सस्ता करोगे तुम, सिस्टम में ऑलरेडी एक पार्टिकल है, इसे निचोड़ के नहीं, तो इसलिए आपके सेंटर ऑफ मास का जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो दो से होता है। सिस्टम में यदि दो पार्टिकल आ जाए तो उनको कैसे निचोड़ के एक करोगे, सिस्टम में तीन आ जाए तो उनको निचोड़ के एक कैसे करोगे, चार आ जाए पार्टिकल तो कैसे करोगे, एक को क्या निचोड़ोगे, वो तो निचोड़ा हुआ ही है पहले। हाँ तो चलिए, तो इसका फॉर्मूला मैं बताने जा रहा हूं, इसका फॉर्मूला बताने जा रहा हूं कि इनको निचोड़, उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए सिस्टम में दूसरा पार्टिकल है उसका मास और ये कहां कहां रखे हुए हैं, ये पता होने चाहिए। तो यदि ये चार वैल्यू आपको पता है तो इसका फॉर्मूला ये है, और ये मैथ वालों को तो बड़ा जाना पहचाना से लगेगा। तो ये आरसीएम निकलेगा एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू अपॉन एम वन प्लस एम टू। कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है फॉर्मूला मैथ वालों को, कुछ कुछ ऐसा लग रहा है ना, कुंभ में खोया हुआ भाई मिल गया हमें, है नहीं, कुंभ में खोया हुआ भाई मिल गया है ना, ऐसा लग रहा है ना, हाँ सेक्शन फॉर्मूला। तो यानी आपके लिए कोई एक्स्ट्रा लोड भी नहीं आई आया, तो ये वही जो सेक्शन फॉर्मूला होता है ना, सेक्शन फॉर्मूला बिल्कुल वैसे ही है कि एम वन आर वन प्लस एम टू, मतलब एम वन आर वन एम टू आर टू अपॉन एम वन प्लस एम टू। अब बस इतना उस पर भरोसा कर लो, ये फॉर्मूला कहां से आया ये आप अगली क्लास में देखेंगे, ये डेरिवेशन भी मैं बता दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल इसको एंजॉय करते हैं, थोड़ा इस पे प्रैक्टिस कराता हूं, ठीक है। तो यदि आपके सिस्टम में दो पार्टिकल हो और आपको उनको मिला के निचोड़ के एक जगह रखना हो और अपनी प्रॉब्लम को आसान करना हो, है ना, तो आप ये फॉर्मूला प्रयोग में लाएंगे और वो पोजीशन पता कर लेंगे। अब एक और चीज, मोस्टली हमने ये फॉर्मूला लिख दिया, लेकिन यदि कोऑर्डिनेट के टर्म में, जैसे इसके कोऑर्डिनेट मान लो x1 y1 हो, मान लो इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 हो और इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 हो, x2 y2, तो आप बताइए r1 वेक्टर को कैसे लिखोगे कोऑर्डिनेट के टर्म में। मैंने आपको आज ही बोनी कराई थी, मतलब बोनी नहीं, रिवाइज कराया था कि कोऑर्डिनेट को पोजीशन वेक्टर में लिखना, ये यहां की ग्रामर है, फिजिक्स की ग्रामर है। तो यदि, फिर से याद दिलाता हूं, यदि कोई कोऑर्डिनेट x, y है, आप उसे पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिखना चाहते हो तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। तो अब बताइए, तो r1 वेक्टर को कैसे लिखोगे, x1 i कैप प्लस y1 j कैप, x1 i कैप प्लस y1 j कैप, होपफुली समझ में आ गया। सिमिलरली r2 वेक्टर को कैसे लिखोगे, x2 i कैप प्लस y2 j कैप, ऐसे लिखोगे, ठीक है। तो RCM को कैसे लिखोगे बेटा, तो यदि मान लो इसके कोऑर्डिनेट को मैं x y लिख दूं, कैपिटल x, या फिर एक और तरीका चलता है XCM YCM, ये भी ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो बताना फिर RCM को कैसे लिखोगे,
उसको लिखोगे एक्स सी एम आई कैप, अरे वाई सी एम जे कैप, एक है ना एल्बर्ट ऋतुराज वाष्णेय सिमिलरली थ्योरम, है ना नाम सुना है तुमने, आइजक ऋतुराज वाष्णेय जिन्होंने सिमिलरली थ्योरम इजाद की है, सिमिलरली ठीक, तो सेम। तो अब आ जाइए, यदि आपको इस फॉर्मूले को कोऑर्डिनेट के रूप में बनाना है, कोऑर्डिनेट के रूप में डिजाइन करना है, तो प्लीज यह थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत आसान चीज, लंबा है पर महंगा नहीं है। तो बताइए आरसीएम को मैं ये लिखने जा रहा हूं, इसके बाद क्या स्टेप, आरसीएम को लिखने जा रहा हूं एक्ससीएम आई कैप प्लस वाईसीएम जे कैप, ये तो मैंने इसकी वैल्यू लिख दी, इक्वल टू एम वन, आर वन की वैल्यू ये लिख दू जो भी है, कितनी आर वन की वैल्यू, एक्स वन आई कैप वाई वन जे कैप, आराम से तसल्ली से मुझे को रोक लेना जहां समझ में नहीं आए। फिर ये एम टू, आर टू की वैल्यू क्या लिखूं, ये दी आर टू की एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप अपॉन एम वन प्लस एम टू, एम वन प्लस एम टू, एम वन प्लस एम टू, ठीक है। चलिए अब आ जाइए एक्स सी एम आई कैप प्लस वाई सी एम जे कैप इक्वल टू, ठीक, यदि आप मुझे अलाउ करो बेटा, दे प्लीज प्लीज, अब सेक्शन फॉर्मूले में एग्जैक्टली सेक्शन फॉर्मूला जैसा नहीं है, मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता, मेरा फॉर्मूला तो ये है, मैंने बस थोड़ा सा याद दिलाने की कोशिश की कि ऐसा मैच कर रहा था, तो उसको इससे कंपेयर मत करो। हाँ प्लीज इसको देखिए, अब इसको देखिए मैं इसमें क्या कर, यदि आप मुझे अलाउ करो तो मैं क्या करने जा रहा हूं, सुनो एम वन एक्स वन एम टू एक्स टू, यदि समझ में आ जाए तो बता देना, नहीं तो मैं एम वन, यार एक मिनट थोड़ा जगह ज्यादा चाहिए मुझे, फिर से एक बार देख लो, ये एल एच एस मैं यहां लिख रहा हूं एक्स सी एम आई कैप प्लस वाई सी एम जे कैप इक्वल टू, ठीक है एम वन, एम वन मल्टीप्लाई कर रहा हूं, देखिए अब एम वन एक्स वन एम टू एक्स टू मुझे कर लेने दो प्लस, पहले इतना देख लो, आंखों में भर लो क्या किया मैंने, देखो एलएचएस मैंने नहीं छेड़ी, एलएचएस को मत देखो, इक्वल टू आरएचएस का न्यूमरेटर देखो, आरएचएस का न्यूमरेटर देखो बस, एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू, और दोनों में आई कैप आ रहा था उसको मैंने बाहर लगा दिया, सजा दिया। अब ऐसे ही बेटा मैं वाई वाला लिख रहा हूं प्लस एम वन वाई वन एम टू वाई टू जे कैप अपॉन, देख सकते हो, और अपॉन क्या आएगा एम वन प्लस एम टू, ठीक है। अरे बहुत सस्ते फॉर, मैं मेहनत जरूर कर रहा हूं बिलीव मी, एक बार आपको इसका फंडामेंटल पकड़ में आ गया ना, तो यार रोटेशन मोशन को भी कठिन नहीं होने दूंगा मैं, और ये तो अभी रोटेशन मोशन स्टार्ट हुआ भी नहीं है, ये तो आसान ही टॉपिक है। अब मैं क्या करने जा रहा हूं बताना, यदि 3 + 4 / 15 हो, एक बार बताओ, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना 3 / 15 + 4 / 15, सोच के देखो, कोई रॉकेट साइंस, ये को थोड़ी नहीं आई आई टी है, 3 + 4 / 15, तो इसको अलग अलग, तो मैं इस एम वन प्लस एम टू को ना, जैसे 15 है तो ये प्लस है ये प्लस है, इसको अलग अलग लिखने चाह रहा हूं, तो आंखें झपकाना मत, पलक मत झपकाना, देखना ये सही है कि नहीं, मेरी एक लाइन बच जाएगी, चेक करो यहां से चेक कर लो, फिर मैंने क्या किया, उनको अलग अलग लिख दिया, ठीक। अब देखिए, अब मैं दोनों को कंपेयर कर रहा हूं, इधर आई कैप के साथ क्या लग रहा है एक्सीएम, और इधर आई कैप के साथ ये पूरी वैल्यू लिखी हुई है, आई कैप के साथ ये पूरी वैल्यू लिखी हुई है, इधर जे कैप के साथ वाई सी एम लिख रहा है, और इधर जे कैप के साथ ये पूरी भाई साहब के साथ पूरी वैल्यू लिखी हुई है, तो कंपेयरिंग बोथ साइड्स, यदि दोनों साइड्स को कंपेयर कर दूं, तो बताइए एक्स सी एम का फॉर्मूला क्या बना, और फॉर्मूला जो बनेगा ना आप कहोगे अरे यार इतनी मेहनत करी और खोदा पहाड़ निकली चुई है, एक्स सी एम का फॉर्मूला क्या निकलेगा, एम वन एक्स वन एम टू एक्स टू
अपॉन एम वन प्लस एम टू, एग्री करते हो कि नहीं? यदि आई के आई कोफिशिएंट को कंपेयर कर दू, आई कैप का इधर एलएचएस में एक्सीएम है, उधर आई कैप का ये है, ठीक है? उधर देखिए जे कैप का, तो वाई सी एम सिमिलरली वही आईजे ऋतुराज में सिमिलरली थ्योरम, कितना एम वन वाई वन प्लस एम टू वाई टू अपॉन, सच्चाई ये एकेडमिक में आपका मोस्ट ऑफ द जो काम होने वाला है वो इन फॉर्मूला से होने वाला है। अब मैंने क्यों कहा खोदा पार्ट निकला चुईया, ठीक है? तो बेटा आप गौर से देखिए जिस फ्लो में ये फॉर्मूला है, आ रहा हूं बेटा शुभम बैठ कर मुझे पढ़ाने तो दे, जिस फ्लो में जिस रूप रंग में ये फॉर्मूला है उसी रूप रंग में एक्स का फॉर्मूला है, उसी रूप रंग में वाई वाई का, मतलब जैसे यदि मुझे आर की जगह एक्स लिख दू, आर की जगह एक्स लिख दू, तो यहां जहां आर है ना तो एक्स वन एक्स कर देना, मतलब यहां आर की जगह एक्स मिटा दो, तो एक्स सी एम इक्वल टू एम वन एक्स वन एम टू एक्स टू एम वन प्लस एम टू, यदि यहां वाई कर दू तो ये फॉर्मूले में वाई वाई का रूप ले लेगा, मतलब इच्छाधारी फॉर्मूला है ये फॉर्मूला, इच्छाधारी फॉर्मूला है तो ये, ठीक है? अब सुनो एक और चीज, फिर एक और सिमिलरली थ्योरम बताता हूं मैं, आप कहोगे वाह भाई ठीक, यदि इसमें जेड कोऑर्डिनेट भी होता तो यदि मैं शुरू से लेके आता तो यार बहुत लंबा हो जाता, सोचो एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के प्लस जेड टू के, फिर साला उसको रियल एक 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 एक्सप्रेशन और ऐड हो जाता। अरे जब सिमिलरली थ्योरम एंजॉय करनी है तो सिमिलरली इफ यदि यहां इफ जेड कोऑर्डिनेट होता तो इफ जेड कोऑर्डिनेट होता तो जेड का क्या सिमिलरली थ्योरम को यूज करना कोई मुझसे सीखे, थैंक यू बेटा। तो जेड अब बताओ हम कितनी मेहनत से बच गए, सबको पता है इच्छाधारी नागिन अब कौन सा अवतार ले लेगी बताइए, एम वन जेड वन एम टू जेड टू, और अभी तो मेरी पीठ और ठोकोगे शाबाश कहोगे जब मैं आपको सिमिलरली थ्योरम का प्रयोग करना भी और सिखाऊंगा। पहले बताइए ये समझ में आ गया कि नहीं, ये आ गया ना, यदि जेड कोऑर्डिनेट भी यदि मैं ऐड कर देता तो बिना बात के एक्सप्रेशन लंबा चलता, जबरदस्ती लंबा चलता, आना यही था। तो ये यदि सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट, सिस्टम का वाई कोऑर्डिनेट, सिस्टम का जेड कोऑर्डिनेट निकालना है तो आप ये यूज करेंगे। और अभी आप देखिए, रुको अभी रुको रुको जरा, ओ ये ठीक है प्लीज गाली गलौज पे मत उतरना। यदि सिस्टम में मैं टू की जगह थ्री कर दू, सुनना, सिस्टम में थ्री पार्टिकल कर दू तो पता है ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सुन लो एक बार। अच्छा पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, क्योंकि मैं तो इस फॉर्मूले में बदतमीजी कर दूंगा, तुम पहले इस फॉर्मूले के स्क्रीनशॉट ले लो। अभी मैं सवाल कराऊंगा ना तो थोड़ा और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, टेंशन मत लो, थोड़े से सवाल जब कराऊंगा तो। हाँ है सब नोट्स में है, पर कोई अपने नोट्स बनाना चाह रहा है तो उसके लिए मैं स्क्रीनशॉट रुक जाता हूँ। हाँ तो सुनो, यदि सिस्टम में थ्री पार्टिकल हो तो पता है ये फॉर्मूला क्या रूप ले लेगा, हाँ प्लस एम थ्री आर थ्री वेक्टर अपॉन प्लस एम थ्री, सिमिलरली ये क्या बन जाएगा, एम थ्री एक्स थ्री नीचे एम थ्री, समझ गए होगे, वाह 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 वाह, ठीक है ये हमारे सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला, न जीने की तमन्ना न मरने की आस, और हमारे टॉपिक को आसान करता है सेंटर ऑफ मास। हाँ बंद हो गई है नहीं, टॉपिक को आसान करने वाला है सेंटर ऑफ मास, ठीक। अरे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, एक मिनट एक मिनट, मैं तो प्रिवेसी लगाई हुई है, ये अनुष्का का नाम क्यों फ्लैश हो रहा है बार बार। तो हाँ तो अब एक काम करते हैं इस पे ना, पहले दो पे सवाल करते हैं, सेंटर ऑफ मास वाली, हाँ अरे सेंटर ऑफ मास वाली तुम्हें लाइव करके दोबारा दिखाऊंगा, सवाल करवा दूं पहले। चलिए एक काम करते हैं, पहले इस फॉर्मूले को, ये फॉर्मूला अपने आप आपकी नस में उतर जाएगा जब मैं इस पर सवाल कराऊंगा, क्योंकि मैंने आपसे ये कमिटमेंट करा था ना, हालांकि मैंने कमिटमेंट तोड़ दिया चालाकी के सिमिलरली के चक्कर में, मैंने ये कहा था कि मैं पहले दो पार्टिकलों पर काम करवाऊंगा, है ना, तो अब बीच में लगे हाथ क्योंकि बोर्ड भरा हुआ था, तो मैंने कहा लगे हाथ तीन चार पांच एन पार्टिकल हो तो वही डॉट डॉट करना है फॉर्मूले को, डॉट 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 डॉट। तो चलिए पहले पहले एक आध हल्के फुल्के सवाल कराता हूँ, ठीक है, सेंटर ऑफ मास पे, और अभी ये मानना मैंने सिर्फ दो पार्टिकल के लिए फॉर्मूला डिस्क्लोज किया है, तो लिख देता हूं मैं ये वाला यूज करने जा रहा हूं, थोड़ा आइडिया रहेगा। एक्सीएम क्या फॉर्मूला, एम वन एक्स वन एम टू एक्स टू
अपॉन एम वन प्लस एम टू, और वाई सी एम का फॉर्मूला एम वन वाई वन प्लस एम टू वाई टू अपॉन एम वन प्लस एम टू, ये वन ये टू, ठीक है। चलिए सवाल है, पहला एग्जांपल देखिए, बिल्कुल सस्ते सवाल से शुरुआत कर रहा हूं, सस्ता बिल्कुल। यदि आपको मैं 10-10 ग्राम की दो बॉडी दूं, सपोज करो 10 ग्राम और 10 ग्राम की दो बॉडी है और इनके बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। 10 ग्राम की दो बॉडी है और उनके बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है, लोकेट इट्स सेंटर ऑफ मास, सवाल है ये। इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है हमें। पहले तो देखो सिस्टम में दो ही पार्टिकल है, बॉडी नहीं दी अभी, अभी बॉडी वर्ड में नहीं आ रहा हूं। पार्टिकल ये 10 ग्राम का पार्टिकल है, ये 10 ग्राम का पार्टिकल है। यदि आपको दो की बजाय इन दोनों को निचोड़ के एक ही करना हो, दो को निचोड़ के एक ही करना हो तो कैसे करोगे? तो देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले अपने फिगर को एज इट इज बनाइए, ठीक है। ये रहा 10 ग्राम, ये रहा 10 ग्राम, ये 20 सेंटीमीटर की दूरी, ठीक है, 20 सेंटीमीटर। अब क्योंकि मैं इस फॉर्मूले का प्रयोग करवाऊंगा, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकलवाने के लिए, तो यार एक्स और वाई तो तब चलते हैं ना जब कोई आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम हो, जबकि आपके पास कोई ओरिजिन हो। तो देखिए हर बार की तरह चॉइस ऑफ ओरिजिन आज भी आपके हाथ में, आज भी आपके पास है चॉइस ऑफ ओरिजिन। आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम मानेंगे और ऐसा मानेंगे जो आपके काम को आसान करे, ठीक है, और ये आप प्रैक्टिस से सीख जाओगे। तो मैंने क्या किया, मैं तो यार इतने साल से पढ़ा रहा हूं तो मेरे अंदर तो चंड चला की भर गई, आपके अंदर भी भर जाएगी। मैंने क्या किया, सारा इसी को ओरिजिन मान लिया और इसको मान लिया एक्स एक्सिस, देखना मैंने इसको एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस मान लिया। ये काम आपको खुद करना है, ओरिजिन खुद सेट कर लिया, सवाल नहीं देगा आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम। सवाल ने तो ये कहेगा दो पार्टिकल है इनका सेंटर मास बताओ, तो हमने वो दो पार्टिकल बनाए और अपनी मर्जी से मैंने इसको ओरिजिन मान लिया, इसको वाई एक्सिस मान लिया और इसको एक्स एक्सिस मान लिया। अब इससे एक फायदा ये मिला कि साला एक कोऑर्डिनेट तो जीरो जीरो हो गया। बताओ ये पार्टिकल की लोकेशन क्या है, जिसको ओरिजिन पे रखा है वो जीरो जीरो, और ये इससे कितनी दूरी है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 20, 0। अच्छा अब आप एक चीज समझिए, कितना आसान था ओरिजिन को इस तरीके का ओरिजिन चुनके कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच करना। अब कोई सन की कि ये 10 ग्राम है, 10 ग्राम है, 20 सेंटीमीटर की दूरी है, नहीं सर मैं तो ओरिजिन इसे मानूंगा, लो कहो तो जिससे भी जाएगा, लेकिन यार जब काम हम यूं खाना खा सकते हैं तो इसको कैसे खाएं। अब जाओ बेटा, अच्छा इधर आओ, वो सुनाओगे, इधर आओ वो सुनाओगे कि आप पढ़ाई क्यों नहीं होती, सुनाओगे कि नहीं, जल्दी बताओ, तो जाओ रहने दो, इतना टाइम नहीं है, सुनाओगे, चलो आओ जल्दी आओ। हाँ इसी में बोल देना, यहीं से बोल दोगे। अच्छा बताओ आप पढ़ाई क्यों नहीं करते हो, बताओ पढ़ाई क्यों नहीं करते हो, अरे नहीं काली साड़ी पे, हाँ चलिए जल्दी सुनाओ फिर मैं पढ़ा रहा हूँ। काली साड़ी पे पढ़ाई नहीं होती, ऊपर बात है प्यार पे पढ़ाई नहीं होती। ओके कुछ समझे, काली साड़ी पे कढ़ाई नहीं होती और पुष्पा तेरे प्यार में पढ़ाई नहीं होती, वाह वाह। चलिए हाँ तो मुद्दे पर आते हैं, ठीक है, मुद्दे पर ये आते हैं कि ये रहा 10 ग्राम, ये रहा 10 ग्राम, ठीक है। तो ओरिजिन सनकपने में यहां बन रहा है कि नहीं मैं तो यही लूंगा, मैं तो महंगा ही करूंगा सवाल को, तो ये क्लियर उस सवाल के साथ बदतमीजी है, ठीक है। नहीं ये ही है, शी नहीं है, इसका मुंडन नहीं हुआ है मुंडन नहीं हुआ है, ये लड़का ही है, ठीक है। अभी थोड़ा वेट है, कुछ चल रहा है हमारे यहाँ कि इस पर्टिकुलर डेट भी होगा, ठीक। तो चलिए बेटा इधर क्या बता रहा था मैं कि ये एक सस्ते सवाल को महंगा करने की साजिश है, जबरदस्ती यार इतने प्यार से ओरिजिन बन गया, एक खूबसूरती से आपको कोऑर्डिनेट मिल गए, तो अब क्या करना है बताइए। पहले तो इस फॉर्मूले से दोस्ती करनी है हमें, बताइए इसे क्या मान लूं मैं, M1, इसको M1 मानिए। तो इन कोऑर्डिनेटों को क्या मानोगे, ये X1 हो गया और ये Y1 हो गया, याद रखिएगा। इसको M2 मान लेता हूं, तो ये कोऑर्डिनेट X2 Y2,
यानी x1, देखो जब आपको ये निकालना है तो आपको ये चारों वैल्यूज पता होनी चाहिए ना, m1 x1 m2 x2, ये तो ये m1 हो गया, ये कोऑर्डिनेट m1 के हो गए x1 y1, ये m2 हो गया तो ये कोऑर्डिनेट उसके हो गए m2 के, ठीक है। चलिए तो फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट यानी ये वाला फॉर्मूला चला रहा हूं मैं, तो एक्स सी एम, बताइए m1 की जगह क्या रखूं, m1 की जगह रखने जा रहा हूं मैं टेन इंटू x1 कितना रखूं जीरो प्लस m2 कितना रखूं वो भी टेन है, x2 कितना रखूं ट्वेंटी, ठीक है ट्वेंटी अपॉन m1 प्लस m2, दस प्लस दस कितना हो गया बीस, दस प्लस दस हो गया बीस, तो अब इसे सॉल्व करेंगे आप तो कितना आ गया ये बीस बीस, ये आ गया दस, एक्स सी एम आ रहा है दस, आप चेक कर लीजिए ठीक है। एंड फ्रॉम टू, फ्रॉम टू ये रहा टू, वाई सी एम, वाई सी एम ठीक है, एम वन कितना रखू कई उन्होंने निकाल के रख दिया दस, एक्स वन वाई वन सॉरी वाई वन जीरो, देखो उसका भी वाई कोऑर्डिनेट जीरो है लेकिन एक एम टू क्या रखना है मुझे दस, अब बताइए वाई टू कितना है, वाई टू भी जीरो है, देखो ये जीरो, अब नीचे दस प्लस दस कुछ कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि ऊपर सब कुछ जीरो है, तो वाई सी एम हो गया जीरो, कितना हो गया जीरो। तो गौर से देखिए सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट कितना है, सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट कितना है, दैट इज सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम विल बी एट एक्स सी एम कॉमा वाई सी एम, सेंटर ऑफ मास इस सिस्टम के यहां पर होंगे, और ये वैल्यू आपने क्या निकाल ली है दस, ये वैल्यू जीरो, ढूंढो कहां है ये सिस्टम में बताओ, यदि ये जीरो जीरो है, ये बीस कॉमा जीरो है, तो दस कॉमा जीरो एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे होगा कि नहीं होगा, एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे, क्योंकि दस कॉमा जीरो ये रहा हमारा सेंटर ऑफ मास, ये रहा, तो ये किससे निकला है हमारा, इस फॉर्मूले से। और लगे हाथ इस फॉर्मूले के थ्रू एक बात और समझना, यदि हमारा सिस्टम सिमिट्रिकल बॉडी हो, यदि सिस्टम में मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो, तो सेंटर ऑफ मास बीचों बीच ही आएगा, बीचों बीच ही आएगा, सेंटर ऑफ मास बीचों बीच ही आएगा। इसका स्क्रीनशॉट मारिए, फिर मैं इसी में एक चीज और बताता हूं आपको, सिंपल सवाल था, मैंने कहा ना बॉनी तो आसान सवाल सी कराऊंगा, अब पहले दिन ही थोड़ी नहीं हैवी सवाल करवा सकता। अच्छा अब इसमें तो आपको ये दे दिया था कि ये फिगर दे दिया था और कह दिया कि सिस्टम का सेंटर ऑफ मास लोकेट करिए, अब यदि ये लैंग्वेज के रूप में क्वेश्चन आ जाए, लैंग्वेज मतलब फिगर नहीं दे, वो ये कहे कि दो पार्टिकल है जिनका मास 10-10 ग्राम है और वो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, दो पार्टिकल है 10 ग्राम ईच और उनके बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो उनका सेंटर ऑफ मास निकालो, तो हो सकता है हम में और आप में से कोई बंदा ऐसे इस फिगर को इमेजिन करने लगे, कर सकता है कि नहीं कर सकता बताओ, कि एक 10 ग्राम की बॉडी ये रही, 10 ग्राम की बॉडी ये रही, समझना, ऐसे भी तो इमेजिन कर सकता है, और वो कहे कि 20 सेंटीमीटर की दूरी है, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालो, तो घबराना नहीं है, उसकी इमेजिनेशन से भी सही आंसर आएगा। एक काम करते हैं, इसको ऐसे मान लेते हैं, इसको ओरिजिन मान लेते हैं, तो बताना यदि इसको ओरिजिन मान लिया तो इसके कोऑर्डिनेट जीरो कॉमा जीरो आएंगे, और इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, फिर इसके कोऑर्डिनेट आएंगे जीरो कॉमा ट्वेंटी, यदि ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस माने तो ऑब्वियसली ये जीरो। अब जब आप इसमें ये वाली फिजिक्स लगाओगे तो ये अक्षय कुमार का मीम, इसके जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो आएंगे जीरो कॉमा दस, देख लेना। तो पता है चाहे आप इस पैटर्न में सवाल करो, चाहे ऐसे पैटर्न में सवाल कर लो, इमोशंस या सॉरी ये जो क्या कहते हैं जो वैल्यू आ रही है वो आपको बार बार ये कह रही है कि सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली बीचो बीच आ रहा है, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे आ रहा है, तो इसलिए कोऑर्डिनेट के बाद यदि आपको लगता है कुछ ऐसा लैंग्वेज में लिख सकते हो तो लिख देना कि सेंटर ऑफ मास विल बी एट देयर मिड पॉइंट, सेंटर ऑफ मास विल बी एट मिड पॉइंट, सेंटर ऑफ मास विल बी एट मिड पॉइंट। इतना समझ में आ गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आप ओरिजिन को किस तरीके से मान रहे हो, आंसर सेम आएगा। अब आ जाइए इसमें मैं थोड़ा सा सवाल चेंज कर रहा हूं, जब मास बराबर थे तो सेंटर ऑफ मास बीचों बीच आ रहा था,
यदि मान लो मैं इसका वजन 30 ग्राम कर दूं, सवाल चेंज कर दिया, थोड़ा सा बहुत मामूली सा चेंज किया है सवाल, मैंने मामूली सा चेंज किया है, मैंने कहेगा एक बॉडी 10 ग्राम की और एक 30 ग्राम की है, उनके बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है, अब सेंटर ऑफ मास निकालिए, तो बेटा फॉर्मूला तो अब भी यही चलेगा, बस अंतर ये हो गया कि ये अब 10 की बजाय 30 हो गया। तो जब आप फॉर्मूला यूज करोगे, समझ रहे हो ना, क्योंकि मैंने सिर्फ m2 की वैल्यू चेंज की है, तो बताइए देखिए 10 इंटू 0 और यहां लिखोगे 30 इंटू 20, देखिए m1 10 ग्राम, x1 0, अगला मास 30 ग्राम है लेकिन रखा उसी कोऑर्डिनेट पर ही है, अब वजन 30 ग्राम है लेकिन रखा 20 पर है, तो जो जहां रखा है उसका वो कोऑर्डिनेट, और नीचे क्या आएगा, नीचे भी तो बदल गया, 30 प्लस 10 40 हो गया नीचे, ध्यान रखना केवल ऊपर ही नहीं चेंज हुआ, नीचे भी तो चेंज हो गया, तो अब बताइए कितना आ रहा है, 30 गुणा 20 अपॉन 40 15 और वाई जीरो ही आएगा, वाई जीरो ही आएगा, क्यों आएगा जीरो, सोच लो भले नीचे 40 आ रहा है, तो अब आप बताइए दैट इज सेंटर ऑफ मास कहां आ रहा है, सेंटर ऑफ मास विल बी एट XCM, YCM, है ना, यहीं पे तो होता है सेंटर ऑफ मास, बस X की वैल्यू आपने क्या निकाल ली है 15 और Y की वैल्यू 0, अब बताइए ये दूरी 20 सेंटीमीटर है, ये दूरी 20 सेंटीमीटर है ना, लेकिन सेंटर ऑफ मास अब 10 पे नहीं आ रहे, 15 पे आ रहे हैं, यहां 15 यहीं तो कहीं होगा, 15,0, 15,0, अच्छा इसको पता है लैंग्वेज में कैसे आंसर देंगे, या तो ये कहिए कि 10 ग्राम वाली बॉडी से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है सेंटर ऑफ मास, जो प्रॉपर आंसर है वो लैंग्वेज में कैसे देना है हमको, द सेंटर ऑफ मास विल बी इन द लाइन जॉइनिंग द पार्टिकल, पहले तो इन दोनों पार्टिकलों की लाइन जॉइन करिए, और इससे 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, इससे 15 क्योंकि 15 आ रहे हैं ना, एक और अच्छी बात बताता हूं, अच्छा थोड़ा सा फटाफट एक काम करिए, और एक चीज बताता हूं है ना, अपने आप करना, मान लो ये सवाल भी लैंग्वेज में होता वो, और कोई 30 ग्राम बॉडी को इधर रखता और 10 ग्राम वाली बॉडी को इधर रखता, मैं आपको एक और चीज बता दूं, 30 ग्राम वाली बॉडी इधर रख देता, 10 ग्राम वाली इधर रख देता, ठीक है, और वो ऐसे करके एक कोऑर्डिनेट सिस्टम डिजाइन करता, इसको एक्स इसको वाई, तो बताइए इसके कोऑर्डिनेट होते 0,0 और इसके कोऑर्डिनेट होते 20,0, यही तो होते कोऑर्डिनेट, प्लीज मेरे कहने पर ये वाला फॉर्मूला लगाइए और ये लगाइए, अब बताइए यदि मैं इस फॉर्मूले का प्रयोग करता हूं XCM, ठीक है शुभम ने निकाल दिया, XCM का फॉर्मूला लगाइए और बताइए कितना आंसर आएगा, अब शुभम ठीक दिया, बिल्कुल ठीक, हर्ष वेरी गुड, और लोग निकालिए बेटा, कि यदि मैं लो सवाल को इस सिनारियो इस चश्मे से देखें तो सोहानी वेरी गुड, तुषार वेरी गुड, तो काफी लोगों ने निकाल रहे हैं, तो मैं वेरी गुड, जब आप इसको इस फॉर्मूले का प्रयोग करोगे, वेरी गुड साहब देव ठीक, तो कोऑर्डिनेट एक्स सी एम आएगा 5 और वाई सी एम आएगा 0, क्या मतबल निकला, गलत हो गया क्या हमारा सवाल, सोच के देखो गलत कर दिया हमने सवाल, यार ये तो गड़बड़ हो जाएगी फिर, है ना, दो दो आंसर आ जाएंगे सर इससे, दो दो आ रहे हैं, नहीं आ रहे दो आंसर, पता है तभी लैंग्वेज में बोलना उचित रहता है, आप क्या बोलोगे, जो सेंटर ऑफ मास आया था 10 ग्राम वाली बॉडी से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर सेंटर ऑफ मास था, तो जब इससे 15 सेंटीमीटर की दूरी थी तो इससे 5 ही तो हुई, अब भी तो वही आ रहा है, 30 ग्राम वाली बॉडी से तो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ही आ रहा है, तो इसका मतलब ये मैंने इसलिए सामने डाला कि यदि रामलाल अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम मांगता है ये कैसे था, यदि रामलाल अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम मानता है, श्यामलाल अलग ओरिजिन या कोऑर्डिनेट सिस्टम मानता है, आंसर दोनों के एक जैसे आएंगे ये तय है, यानी चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट से आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला, ये बात समझ में आई या नहीं आई, चॉइस ऑफ ओरिजिन से आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो फिर हम हमेशा सस्ता वाला ओरिजिन लेते हैं, जब हम खाना यूं खा सकते हैं तो यूं जबरदस्ती खाने की कोशिश नहीं करेंगे,
अच्छा अब इन दो एग्जाम्पल से आपको एक और क्या सीख मिली, सबक मिला? कौन से दो एग्जाम्पल? जब 10-10 ग्राम की दो बॉडी थी, समझिए 10 ग्राम और 10 ग्राम, तो सेंटर ऑफ मास बीचों बीच आया था, और जब इधर 10 ग्राम था और इधर 30 ग्राम था तो सेंटर ऑफ मास इधर आ गया है। दिस इज सेंटर ऑफ मास, इसमें ये रहा सेंटर ऑफ मास, बोलो यही तो है। और ये बात मैं अपने मन से तो बोल नहीं रहा हूं, आपके सामने एविडेंस है, दो ही सवाल सही, लेकिन दो सवाल में ये तो पा लिया ना आपने, तो ये बात इसे एज अ परमानेंट थ्योरम याद कर सकते हो कि जब सिमेट्रिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सिमेट्रिकल मासेस होते हैं एक जैसे यूनिफॉर्म, तो सेंटर ऑफ मास उनके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे आता है, और नहीं तो जिधर भारी होगा, कहते ना ताकतवर लोग दुनिया को अपनी ओर झुका लेते हैं, इसमें भी ताकतवर आदमी सेंटर ऑफ मास को अपनी ओर झुका लेगा, अपनी ओर खिसका लेगा। मैं वही जो वीडियो मैंने वैसे तो यूट्यूब पर डाली हुई है, आप देख लेना उसको, नहीं तो मैं अभी आपके सामने, एक मिनट, मुझे 30 सेकंड लगेंगे। हाँ ये देखिए, ये स्केल है मेरे पास तो बड़ा है, आप भी कोई स्केल ले सकते हो, थोड़ा पीछे आ रहा हूं, ठीक है, एक चीज दिखाता हूं आपको, पर इसके मार्क्स तो नहीं दिखा सकता मैं इसमें, लेकिन आपके पास यदि स्केल हो तो मेरे संग एक्टिविटी कर सकते हो। ये स्केल ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म होता है, बस एंड पे जाके थोड़ा गोलाई और थोड़ा छेद की वजह से थोड़ा बहुत हमने मान सकते हैं थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस है। तो बेटा यदि आपके पास 30 सेंटीमीटर का स्केल है, 30, मेरे पास तो ये 60 सेंटीमीटर का है, तो देखिए अपनी दोनों होंगे एक सेंटर ऑफ मास का जादू की तरह है ये, आपने पता नहीं वो वीडियो देखी कि नहीं, वो जादू नहीं है एक्चुअली, सेंटर ऑफ मास है। देखिए आप अपनी दोनों उंगलियां ये ले लीजिए, ठीक, हाँ, झाड़ू से समझाया था, जिन्होंने नहीं देखी वो एक बार देख लो, क्योंकि ये इसी टॉपिक का सीन है। आप दोनों उंगलियों को यूं लीजिएगा। अच्छा कितने लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है झाड़ू वाली मेरी, कितने लोगों ने मेरी झाड़ू वाली वीडियो नहीं देखी है, नहीं देखी है? अच्छा देव ने नहीं देखी एक, तो चलो कोई नहीं, फटाफट एक चीज बताता हूं, देखिए हर्ष ने भी नहीं देखी, अविनाश कौन सी कह रहा है तो इसका मतलब देखी नहीं है झाड़ू वाली है। चलो 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 कोई नहीं, मैं भेज दूंगा अभी, इसको भी समझ लो, ये 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 जो अपनी दोनों उंगलियां एंड पे रखिए, यदि आपके पास है तो सामने कर सकते हो, आपको लगेगा कि मैं बदतमीजी कर रहा हूँ, चालाकी, चलो कुछ चालाकी नहीं है। जब आप अपनी दोनों उंगलियों को खिसकाओगे, आपको कुछ बुद्धि नहीं लगानी, कोई भी तेज चल रही हो, कोई भी धीमी चल रही हो, कोई भी तेज कोई भी धीमे, हाँ वही सेंटर ऑफ मास ने इज्जत बचा ली, वही वाली, ठीक है। तो सुनिए, आप जब आप इन दोनों उंगलियों को नोटिस करोगे ना, तो वो उस स्केल के एग्जैक्टली बीच में मिलेंगी। अच्छा आपको फील भी हो रहा होगा कि दोनों उंगलियां एग्जैक्टली बीच में, एक बार फिर से सुनिए, ये दोनों उंगलियां मैंने किनारे पे रखी और मैं कोई बुद्धि नहीं चला रहा हूं, किसी को तेज किसी को धीमे नहीं चला रहा हूं, उंगलियां सेंटर पर ही मिलेंगी, जो भी सेंटर ऑफ मास होगा या जहां मिल रही है वो सेंटर ऑफ मास होगा। दोबारा खेलते हैं, एक और मजे की बात, एक उंगली में यहां रखूं और एक उंगली में यहां रखूं, देख रहे हो आप, पहले तो एंड से चला रहा था, अब भी इनकी जो टेंडेंसी होगी एग्जैक्टली दोनों उंगलियां आप करके देखेंगे ना तो और अच्छा लगेगा, दोनों उंगलियां वही मिलेंगी, ठीक सर, झाड़ू से ही स्टार्टिंग करो समझाना, अरे चल कोई नहीं, दोनों उंगलियां करके देखो, यदि सामने हो तो एक उंगली आप यहां रख लीजिए, एक किनारे पे रख लीजिए, दोनों उंगलियों को मिलाओगे तो वो पक्का सेंटर ऑफ मास पर ही मिलेंगी। अच्छा इसमें एक और काला जादू है, मिल गई, ठीक है। अब सेंटर ऑफ मास एक एग्जैक्टली एक पॉइंट होता है ना, एक पॉइंट होता है, अब वो दोनों उंगलियों में तो होगा नहीं, एक ही उंगली पे होगा, सच्चाई है वो दोनों उंगली पे नहीं होगा, किसी एक उंगली पे ही होगा या जिसके करीब होगा। अब जब आप इन दोनों उंगलियों से कहोगे वापस जाओ, तो पता है एक ही उंगली खिसकती है, एक तो खिसकती नहीं है, ये ऐसा नहीं कि मैंने अपनी इंटेंशन, मेरी इंटेंशन से ऐसा हुआ है, आप प्लीज करिएगा, ठीक है, और उस वाले वीडियो में कमेंट मार दीजिएगा यदि आप सक्सेसफुली वही चीज, दोनों उंगलियां मिल गई, अब मैं इनसे कहूं वापस जाओ, जब मैं इनको वापस ले जाने की कहूंगा, वापस ले जाने की, तो बिलीव मी एक उंगली खिसकी एक खिसकी नहीं, पता है कौन सी नहीं खिसकी, जिसके सबसे करीब था सेंटर ऑफ मास या जिस पर था। फिर इसमें एक और चीज, मान लो ये तो यूनिफॉर्म बॉडी थी तो सेंटर ऑफ मास बीचों बीच आ रहा था, अब यदि मान लो मैंने इस पर एक वजन रख दिया, इधर थोड़ा वजन हो गया, अब ये यूनिफॉर्म सिस्टम तो नहीं था, है ना, यानी इधर कर लेता हूं, देखो एक 30 ग्राम एक 10 ग्राम, इसको इधर रख लेता हूं,
अब यदि मैं दोनों उंगलियों को मिलाता हूं और अब आप देखिएगा, अरे तू क्यों फिसक रहा है, हाँ अब आप देखिएगा क्या अब भी ये उंगलियां बीचों बीच मिली है, क्या लग रहा है बीचों बीच मिली है, ये फील करो क्या ये बीचों बीच नहीं। इससे क्या साबित हो रहा है, इससे क्या साबित हो रहा है कि सेंटर ऑफ मास कहां शिफ्ट हो गया, किधर शिफ्ट हो गया, जिधर वजन बढ़ गया है, जिधर वजन बढ़ गया है वहां सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो गया है। ये और वजन रख देना सेंटर ऑफ मास उधर की ओर खिसकता चला जाएगा ये चीज। तो ये अभी मैंने हल्का सवाल कराया है, आज के लिए इतना ही रहने दो, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे ठीक है। और वो वीडियो पे बेटा कमेंट जरूर मारिएगा।